करवा चौथ के बहाने गांव बुलाकर पत्नी ने प्रेमी के सहयोग से पति को दे दी मौत। रात में नींद की गोली देकर पूरे परिवार को सुला दिया। पति की हत्या के बाद फूट फूट कर रोने का किया नाटक। सीडीआर से खुला राज, प्रेमी पत्नी समेत तीन गिरफ्तार। बिहार के सासाराम से सनसनीखेज मामला सामने आया है। करवा चौथ की रात पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर आरोपित पत्नी तथा उसके प्रेमी तथा उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 17 अक्टूबर की रात सासाराम थाना क्षेत्र के नरैना गांव में अमन कुमार सिंह की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया था। इस मामले में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की तो पता चला कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुआ है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा में एक निजी कंपनी में काम कर रहे अमन कुमार सिंह को उसकी पत्नी करवा चौथ के बहाने गांव बुलाया। रात में नींद की गोली देकर पूरे परिवार को सुला दिया, फिर अपने प्रेमी कमलेश सिंह को घर बुलाकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को शिवसागर के स्टेट हाईवे पर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच तकनीकी आधार पर शुरू की तो पता चला पूनम सिंह के मोबाइल से भोजपुर जिला के रहने वाले कमलेश सिंह के साथ पिछले 4 महीनों से लगातार बातचीत हो रही थी। हत्या के वक्त भी कमलेश सिंह उनके एक अन्य सहयोगी के साथ महिला के घर में ही था। मोबाइल लोकेशन से यह पता चला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित पत्नी पूनम के अलावा प्रेमी कमलेश कुमार सिंह तथा उसके सहयोगी शिवम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जिस रात करवा चौथ था उसी रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने पहले अपने पति की लंबी उम्र के लिए चलनी में चांद देखा, पति के लिए लंबी उम्र की कामना की, लेकिन उसके चंद घंटों बाद उसकी ही हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद फूट फूट कर रोने का किया नाटक। चेनारी शिव सागर स्टेट हाईवे पर जब 18 अक्टूबर की सुबह अमन की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। वहीं अमन की पत्नी पूनम भी सड़क पर लोटपोट होकर रोने का नाटक करती रही। 11 घंटे तक सासाराम जाने वाली सड़क को जाम रखा गया था। यह बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति जिसका नाम कमलेश कुमार है उससे है, और ये करीब 3 से 4 महीनों से ये प्रेम प्रसंग था। तो जब उससे पूछताछ की गई कमलेश कुमार से, तो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के साथ मिल करके उसने जो अमन कुमार सिंह है उसकी हत्या करने की साजिश रची, और इसमें उसके द्वारा अन्य सहयोगियों का सहयोग लिया गया। इस मामले में पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इसमें घटना के दिन ही जो कमलेश कुमार के द्वारा नींद की गोली को मृतक की पत्नी को उसको उपलब्ध कराया गया, और उसके बाद वो वापस अपने साथियों के यहाँ चला गया, और फिर रात्रि में पूर्व के जो प्लान उनके द्वारा बनाया गया था उसी के तहत फिर रात्रि में वो दोबारा वहां पर गया और मृतक की पत्नी के द्वारा अपने घर में जो खाना बनाया गया था उसमें उस नींद की गोली को मिला दिया गया था, और जब वो सो गए तो उसके बाद उन सभी जो लोगों को बुलाया गया और उनके द्वारा जो अमन कुमार सिंह है उसका गला दबा करके तथा तकिया से दबा करके उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद शव को छुपाने के लिए शिवसागर चिनारी स्टेट हाईवे के पास उसको ले जा करके उसको फेंक दिया गया। इस मामले में अभी तक जो अनुसंधान है उसके आधार पर पूनम कुमारी जो कि मृतक की पत्नी है